जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उसको सबसे इनिशियल में कहना चाह रहा था, आपने इंट्रोडक्शन की मुझे कहा, अगर किसी को भी कोई भी नॉलेज चाहिए एचसीएल में जुड़ने के बारे में, सर्विस डेस्क, बिजनेस डेस्क, कंप्यूटर के बारे में और वर्सल डेस्क, इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ एक चैनल है, वो है दे कॉल मी पांडे जी। इसके ओके अलावा किसी को ओके कोई सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अगर सो वो भी मच कुछ कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर। ईशान. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर सिलेक्टेड इन एचसीएल एज एनालिस्ट. थैंक यू सो मच, थैंक ओके यू एंड सो मच। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस. ओके सो बेसिकली वी कैन स्पीक इन हिंदी इंग्लिश बोथ. ओके सो ये वीडियो इसलिए है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस वो ट्राई कर रहे हैं एचसीएल में ज्वाइन करने, उनको कुछ मदद मिले, है ना. आप अपनी जर्नी शेयर करो कि आप सिलेक्टेड हो एचसीएल में, हो गए, आपको ऑफर लेटर आ गया, आपकी आज से कल से ज्वाइनिंग भी थी, है ना, 1 अगस्त से. सो आप मुझे, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताओ कि मतलब क्या प्रोसेस रहा और कितने दिन का प्रोसेस रहा, एक एक चीज शुरू से, मतलब हर चीज एक 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 करके अपन जानेंगे इस पूरा वीडियो में, है ना. तो सबसे पहले सर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप कहाँ से हो, क्या हो, है ना. सर मेरा नाम ईशान त्रिपाठी है, मैं लखनऊ से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से ही की है। मैं ना मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो लॉ में है, और करेक्ट मैंने एक नए डोमेन मैंने कदम रखा है टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल एस्पेक्ट में, तो पूरा ही मेरे लिए सब कुछ नया था। और मैंने सर इसके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अपनी बनाई थी, और वहां पर जो हमारे पास रिकमेंडेशंस आते हैं जॉब के, वहां पे मेरे पास आया था। मैं एचसीएल के कुछ एचआर थे जिनको मैं फॉलो कर रहा था, और उनको फॉलो करके मैंने, उन्होंने पोस्ट किया था, मैंने उस पर अप्लाई किया और मेरे पास कॉल आई कि मैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम एचसीएल टेक एंड यू हैव अप्लाइड फॉर एज एनालिस्ट। तो मैंने कहा यस, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, पर मैंने उनको स्पष्ट किया था कि मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए जूम मीटिंग में कनेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ कम्युनिकेशन राउंड और आपकी बेसिक जो इंटरनेट नॉलेज है, सिस्टम के बारे में नॉलेज है, कौन सा विंडोज चल रहा है, ITIL में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है इस समय, i3 i5 i7 क्या होता है, बस हमें इतना चाहिए, बाकी आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और सर इसके बाद हमारे 3 राउंड्स हुए थे। जो सबसे पहला राउंड था मेरा, वो एक कम्युनिकेशन राउंड था जो एचआर के साथ हुआ था, और उस कम्युनिकेशन राउंड में सर सिर्फ मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना था, मेरी हॉबीज क्या क्या हैं, मैंने क्या पढ़ाई लिखाई की है, मैं एचसीएल टेक क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, और सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस, एचसीएल कब बना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके चेयरपर्सन कौन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेक कंपनी एचसीएल कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो आप सीएसआर देख लीजिए, वो इनकी डिविजनल सर्विसेज देख लीजिए, तो ऐसे तमाम चीजें, और प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है एचसीएल के, कौन किन नए शहरों में भी एचसीएल खुल रहा है, ये सवाल सर मुझसे मेरे टू चेक योर कम्युनिकेशन राउंड में कम्युनिकेशन, पूछे गए थे। या टू चेक योर यस कम्युनिकेशन सर, जस्ट ओनली. जस्ट टू चेक द कम्युनिकेशन दैट ओके इफ आई एम नॉट हेजिटेटिंग और नॉट, वेदर माई करेक्ट. स्पीच इज क्लियर और नॉट, एंड आई एम नॉट गेटिंग स्केयर्ड इन फेसिंग एनी वन, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दीज करेक्ट थिंग्स करेक्ट वर चेक्ड इन दी कम्युनिकेशन राउंड। नहीं, उसके बाद और कम्युनिकेशन उसके बाद राउंड के सर बाद जब सर फिर वर्सेंट टेस्ट हुआ, वर्सेंट टेस्ट सर कितना मेरे लिए पूरा ही एकदम नया हाँ एक्सपीरियंस था कितना स्कोर किया आपने वर्सेंट में, कुछ पता है आपको. सर। वर्सेंट मुझे एग्जैक्टली स्कोर तो इसे आती है, पर मुझे जहां तक याद है, अगर 100 का होगा तो 85 to 90 के आसपास ओके 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 लेवल ग्रेट. मेरा स्कोर सो था। वर्सेंट, जैसा आपने बताया कि वर्सेंट टेस्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, तो फिर कहाँ से जी, आइडिया मिला. जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उसको सबसे इनिशियल में कहना चाह रहा था, आपने इंट्रोडक्शन की मुझे कहा, अगर किसी को भी कोई भी नॉलेज चाहिए एचसीएल में जुड़ने के बारे में, सर्विस डेस्क, बिजनेस डेस्क, कंप्यूटर के बारे में और वर्सल डेस्क, इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ एक चैनल है, वो है दे कॉल मी पांडे जी। इसके थैंक अलावा किसी को कोई सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। यू अगर सो वो भी मच. कुछ कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि थैंक यू सर सो मच, आपको ऐसा आपका जो लगा. गाइडेंस है,
आपका जो गाइडेंस है वो एकदम क्रिस्प, कंसाइज और टू द पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा बस एम है, आप कहते भी हैं अपने वीडियोस में, सर मैं तो मतलब मैंने इतने देखे होंगे कि मैं आपको तो आप जो अपने वीडियोस में कहते हैं कि वो आपको प्रोसेस के बारे में तो बाद में ट्रेनिंग देंगे ही, पर पहले खुद की जो तैयारी है, कंपनी के बेसिक्स के बारे में जानना, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, बेसिक नॉलेज रखना, और वर्सन टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या पैरा जंपिंग, रीजनिंग एआई बेस्ड है, लैपटॉप पे होता है, एचआर आपको छोड़ के चला जाता है हेडफोन देके, फिर सब कुछ आपके ऊपर है। तो ये सारी चीजें करना, सिर्फ और सिर्फ अगर आज मैं एचसीएल में हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक सर आपकी वजह से हूँ, अरे थैंक और यू सो इसमें मच, मुझे कहने में सही कोई संकोच नहीं है। बात है। और ये सो मैं जितने लोग देखेंगे मैं उनको क्लियर कर दूं कि ये कोई करेक्ट पेड नहीं है, ना मैं आपको कभी जानता था सर, बल्कि मैंने ही करेक्ट, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हमारे पास बोलते एक हुए। दूसरे का नंबर भी नहीं है, हमारे पास एक दूसरे का हाँ कुछ नहीं है, बल्कि मैं चाह रहा हूं नंबर कि मुझे मिल भी जाए। नहीं मिलेगा मिलेगा। ओके ओके दैट्स ग्रेट। क्या मुझे अच्छा ये लगा सर ये सुन के कि मतलब आपने मेरा वीडियो देखा, वर्सन टेस्ट के बारे में समझा, उससे प्रिपरेशन किया उसके द्वारा, उसके बाद आपका सिलेक्शन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन मैं जब एचसीएल में था, अभी तो नहीं हूँ, जब था अभी तो मुझे, मैं जब निकलता था ना ब्रेक पे, तो मुझे ऐसे लोग मिलते थे जो मुझे पहचानते थे, जो मेरे वीडियो देख के ही ज्वाइन किए और मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसी बिल्डिंग में, तो मुझे अच्छा लगता था। सेम एज इट इज आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वर्सन का, चलिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी उसके बाद का जो प्रोसेस था, वर्सन क्लियर होने के बाद का प्रोसेस जो था, वो कैसा था और क्या डिफिकल्टीज आई? सर वर्सन क्लियर होने के बाद सर हमारा फाइनल राउंड होता है जो कि तीसरा राउंड था। तो वो सर बहुत जो कंपनी के सीनियर जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं या एसोसिएट जनरल मैनेजर हैं वो लेते हैं, और वो सर एचसीएल टेक एप्लीकेशन पर होता है। तो जितने लोग एचसीएल में जॉब करना चाहते हैं, खैर आपके आगे मैं क्या बताऊंगा, वो एचसीएल टेक का ऐप डाउनलोड पहले से ही करके रख लें अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो, और वहां पर आपका वो इंटरव्यू लिया जाता है। और उसमें सर जो आपने 30 क्वेश्चंस की सर लिस्ट बनाई है, और अनलिमिटेड है, 30 तो मैंने लिखे थे उसमें से पॉज कर करके सारे, कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एनालिस्ट जॉब क्या करता है, क्वालिटी एनालिस्ट क्या करता है, इससे जुड़े प्रोफाइल्स क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फर्क होता है। तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं जो आपने बनाए हुए हैं, और एक्सट्रीम हार्डवर्क सर आपने न जाने कितने लड़कों के लिए किया हुआ है, और खैर कोई आपको बताता नहीं होगा, अगर उसको जॉब भी होगी तो भी, और सिर्फ आपकी वजह से है। तो वो जितने क्वेश्चंस मैंने सर उसको अपने नोटबुक में लिख भी लिए थे, मैं उनको याद कर रहा था, और मेरे इंटरव्यू में 5 सवाल पूछे गए, एक पहला मेरा नाम फाइनल राउंड में, और 4 वही सवाल थे जो आपने उस पर बताए हुए थे अपने सारे वीडियोस, बस चूंकि मेरा नाम आप नहीं जानते थे, बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे वो एज इट इज वही थे जो आपने बनाए नहीं, थे। ये मैं था मेरा वीडियो बनाने का रीजन ही वही था कि पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको एक्चुअल, क्योंकि मैं एक्सेल में काम कर चुका, मुझे भी ये सारी चीजें मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो कोई बताने वाला नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, फ्रेंकली सेइंग, एचआर कभी रिप्लाई नहीं करते, कोई भी क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है, कभी नहीं फोन उठाएंगे। इवन ज्वाइन करने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें है ना, आपको नहीं पता चलेगा, वो फोन ही नहीं उठाते, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर आइडिया, मैंने ज्वाइन करने के 6 महीने बाद ये चैनल शुरू किया था, पता है मई में शुरू किया था, मुझे याद है। तो मैं वही सारी चीजें क्लियर करता हूँ, और क्वेश्चन जो बनाया मैंने 30-30 का, दो दो अभी तो 60 हो गए टोटल, वो आप लोग जैसे जी ही, सर, बहुत सारे इंटरव्यूअर ने मतलब जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिनका हुआ नहीं भी हुआ, तो मैंने पर्सनली बात किया उनसे, कनेक्ट किया उनसे, क्वेश्चन निकाला कि क्या क्या क्वेश्चन हुआ, फिर उनको जो ज्यादा टाइम पूछा गया क्वेश्चन, उन उस क्वेश्चन को रखा, क्योंकि मैंने 50 से 60 बच्चों से कम बात किया होगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन, और जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन मल्टीपल लोगों से पूछा गया, वो क्वेश्चन रखने के बाद ये 60 क्वेश्चन आया। तो मैं सबको बोलता हूँ, अगर टेक्निकल के लिए जाना है, टेक्निकल का कुछ पता नहीं है, तो अगर ये 60 अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो उनका हो ही जाएगा, उसके अलावा कुछ पूछते नहीं। क्योंकि इसके बाद जो इनिशियल लेवल है ना, वो पूरा ट्रेनिंग मिलता है आपको, और 1 से 1.5 महीने का ट्रेनिंग मिलता है, अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं प्रोसेस का।
क्योंकि एमएनसी ये छोटी कंपनी नहीं है कि 5 दिन के ट्रेनिंग में फिर आपको वो ऑन फ्लोर पे ला देंगे, नहीं। जब तक वो श्योर नहीं होंगे कि, क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट के, उनके क्लाइंट्स के साथ बात करना है, तो ऐसे ही आपको वो कमान नहीं दे देंगे कि आप जाओ डायरेक्ट बात करो। जब तक वो श्योर ना हो, जब तक क्वालिटी टीम श्योर ना हो, तब तक नहीं करते। तो जो भी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि आपको इन करना है, बस इन करने के बाद का जो है वो खुद करवा लेंगे आपसे। जब आप इन करने के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, आपका टेक्निकल जो नॉलेज है वो थोड़ा सा तो होना चाहिए। यानी जैसे आपने बताया, आपने तो पूरा, आपका बैकग्राउंड ही अलग था, आपने पूरा स्विच किया है टेक्निकल में, सो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये उधर से इधर आना, बट आपने किया, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने किया। और मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प भी मिली तो वो मुझे भी अच्छा लगा कि चले कुछ तो सही हुआ किसी के साथ। अब आपके जैसे लोग ही हैं जो मतलब उनके लिए ही ये वीडियो, मतलब ये चैनल समझो तो उनके लिए है, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे मैंने वीडियो में भी बताया, मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता, कुछ नहीं करता। मेरे बहुत सारे ऐसे शायद मॉक इंटरव्यू के लिए लोग भी बोलते हैं कि मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, तो मुझे पूछते भी है कितना कितना लगेगा मॉक इंटरव्यू के लिए, कितना चार्ज करते हो आप। मैं डायरेक्ट बोलता भाई कुछ नहीं लेता, बस मेरा एक ही शर्त होता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो वो लोगों को पता चले, वो वीडियो देख के लोग है ना मोटिवेट हो, उनको समझ में आए कि हाँ प्रोसेस ये है, ये ऐसा, तो ये सारी चीजें हैं। सो थैंक यू। आप उसके बाद, जैसे कि आपका टेक्निकल हो गया, टेक्निकल के बाद का क्या रहा टेक्निकल प्रोसेस और कब हुआ था टेक्निकल, कुछ बता सकते हैं? राउंड हुआ था वो हुआ था, जो मुझे एग्जैक्टली डेट याद है वो है लगभग 12 जून के आसपास, बारह ओके। जून को मेरा जो फाइनल राउंड हुआ था। और उसके बाद से सर जब सारी चीजें जब फाइनलाइज हो जाती हैं, तो वो 72 घंटे, within 72 hours, 72 घंटे के भीतर हमको एक मेल आता है। मैं बता भी दूं सर, वो क्लासिफिकेशन उसमें इंटरनल लिखा रहता है, जो करेक्ट पहला करेक्ट। प्रोसेस है आपकी ज्वाइनिंग का, और उसमें लिखा रहता है दैट कांग्रेचुलेशंस, योर सीवी हैज बीन शॉर्ट, योर रिज्यूम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। और उसके बाद से सर एक आपका बीजीवी प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहते हैं। जो कि तो बहुत हमने कहाँ इम्पोर्टेंट। पर पढ़ाई करी है जी, हमने कहाँ पर जॉब करी है इससे पहले, हमारी जितने जो क्रेडेंशियल्स हैं, इंटरमीडिएट के, 10th के, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स, अगर पीजी किया हुआ है तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट हमें करेक्ट। लगानी होती है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना दिया है, बीजीबी प्रोसेस का पूरा, ईच जी सर, डॉक्यूमेंट हाँ। से। इसीलिए हाँ, बीजीबी हुआ फिर आपका और आपने। जी सर, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये लगभग अराउंड जो मुझे लगा वो 25 डेज का होता है, होता है पच्चीस उतना। दिन लगते हैं पूरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। इवन अगर आपने मान लीजिए कहीं काम भी किया हुआ है, या अगर आपने कहीं से एजुकेशन जो भी आपने ली है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो वहां पर जो थर्ड पार्टी है उसके एजेंट्स भी जाते हैं ये वेरीफाई करने कि आप वहां पर थे कि या नहीं थे। करे करे आकर करते करते बिल्कुल। तो और जहां पे आपने ऑफिस पर काम, मैं इसके लिए बोलता भी हूँ कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, या फिर जो भी आप रिज्यूम में लिख रहे हो ना कि एक्सपीरियंस है यहाँ का वहाँ का, तो वो एक्चुअल है तभी लिखो। क्योंकि अगर उनको डाउट हुआ, अगर, क्योंकि उनके लोग जाते हैं, अगर वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, या फिर आपको नहीं पहचानते, कोई कुछ नहीं था बैकग्राउंड, आपने बस ऐसे ही डाल दिया नाम, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद भी रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है अगर आप। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। जी सर, और लगभग सर 25 दिन का इसमें समय लग जाता है। तो ओरिजिनल ही जो जानकारी हो सर वही देनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, हम उनको आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। वो करेक्ट करेक्ट। उनके पास उनसे कई गुना बेहतर टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम चीजें। नहीं भी है तो आप एचआर को ऑनेस्टली बोल दीजिए कि सर मेरे बिल्कुल पास ये बिल्कुल। नहीं है, या मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। अपने से बना के देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत गौर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं, दोबारा आप ऑफ कभी कोर्स ऑफ एक्सेल में कोर्स। अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे आपकी किसी कंपनी में फॉर दैट मैटर। करेक्ट करेक्ट। तो आपके करियर के लिए वो बड़ा खराब है। तो ओके ओके, अग्रेस। ये तमाम चीजें नहीं सर। और फाइनली सर फिर लगभग 26 जुलाई को सर मेरा ऑफर लेटर आया, और मुझे कहा गया कि आपको 1 अगस्त को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है। ओके। सो इससे पहले आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या मतलब नहीं कर रहे थे?
सर जी, इससे पहले सर मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉब कर रहा था एक सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट में, और वहां पर अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो 2 साल का, अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो 26 मंथ्स का था। और ओके पर ओके जो मेरा वो काम था वो एंटायरली डिफरेंट था, वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जिसमें टेक्नोलॉजी एक उसका छोटा सा हिस्सा जरूर था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कोविड के बाद सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, तो सारा ऑनलाइन क्लासेस का मैनेजमेंट, ऐप का डेवलपमेंट देखना, जो जैसे हम अपने अपने प्रोफाइल में जैसे हम सैप का पासवर्ड रीसेट करना कहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के सारे पासवर्ड को एक्टिवेट करना, अकाउंट को डीएक्टिवेशन, वो तमाम चीजें लोगों मैंने की थी सर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इससे पहले का। ओके ग्रेट ग्रेट ओके सो उसके बाद आपको ऑफर लेटर आया, देन 1 तारीख, कल से ज्वाइनिंग थी ना आपकी, कल से ज्वाइनिंग थी, हाँ एक जी सर, एक 1 अगस्त अगस्त सर कल मेरा ओके डिनर सो आप ऑफिस गए थे या घर से ही था? है सर। कल जो हम लोगों का था इंडक्शन के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, जिसमें जैसा सर आप से, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो है सूरज को दिया नहीं दिखाना नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल, आप आपसे बताइए, बेहतर हमारे कौन लोग। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है, तो आपको इंडक्शन में क्या क्या जी बताया गया और क्या क्या तो मिला, कुछ मिला सर भी होगा ना, लैपटॉप वगैरह ऐसा कुछ? जी जी सर, अगर मैं अपनी स्क्रीन इधर करूंगा तो ये जो लैपटॉप ये है, ये HCL का ही लैपटॉप है जो मुझे मिला है। इसके ओके ओके अलावा एक हम लोगों को एक हैंडबुक मिलती है फाइंडर्स पार्क, और जो है लंच का कूपन मिलता है, वो चीजें मिलती हैं। ये होता है सर, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल आगे बढ़ गए। तो बिल्कुल बिल्कुल सर इंडक्शन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो एचआर है वो होस्ट, वो दूसरी एचआर होती है हमारे रिक्रूटर के अलावा जो रहती है, वो हमें बताती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या क्या काम करती है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं एज एन एम्प्लॉय और इतने बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के, कि हमें इंश्योरेंस कितना मिलेगा, हमारे पेरेंट्स उसमें कवर्ड है या नहीं कवर्ड है, हमारे जो फोन का बिल है, हमारा जो इंटरनेट का बिल है वो उसमें कवर्ड है या नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज क्या क्या है। तो एक पूरा ओरिएंटेशन होता है कंपनी का जो इंडक्शन में होता है, और ये पूरे दिन चलता है, हो सकता है कुछ जगहों पर 2 दिन या ज्यादा भी चलता हो, बट जो हम लोगों का था वो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था, और वो 5:30 बजे जो हमारा सैप आईडी, हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, और उसके अलावा जो लैपटॉप होता है, इसके साथ ही वो खत्म हो जाता है। और हमें कंप्लाइंस मेल आ जाती है कि हमें जो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर है हमें उनको कॉन्टैक्ट करना है मेल के माध्यम से, और उसमें हम देखते हैं कि उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, सो वी कैन ऑल्सो कॉल अ रिपोर्टिंग मैनेजर्स। ग्रेट ये ग्रेट बात रहती ओके है। ओके ओके चलो अच्छा है, बढ़िया है। अगर अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मतलब ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका, सब कुछ हो गया, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको? मतलब कुछ तो होगा ना, क्योंकि आपका पूरा डिफरेंट है ना, जो डोमेन है वो पूरा डिफरेंट, तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, वो आप उसके बारे में कुछ बता सकते? सर सबसे पहला चैलेंज तो सर मुझे, मैं सही मायने में बताऊं, मैंने अप्लाई तो कर दिया था पर मुझे नहीं पता था कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट या क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है, और मैंने कभी कॉर्पोरेट में कोई काम भी नहीं किया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए जा रहे हैं करेक्ट करेक्ट और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो सर जब मैंने गूगल पर सर्च किया, मैंने कुछ यूट्यूब पर डाला, तो सर आपके वीडियोज मुझे दिखे, वहां से मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे सारे डाउट्स क्लियर होते चले गए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बेसिक मैं कहूंगा कि आप कंपनी के बारे में जितने भी लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, व्यूअर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, बच्चे हैं, एक्सपीरियंस हैं, जितने भी लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, आप गूगल पर कंपनी के बारे में जरूर पढ़ लीजिए एक बार, आपको करेक्ट पता होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिकली क्या है। और सर उससे बड़ा चैलेंज है सर जो मुझे लगता है, वो आपकी पोस्ट ज्वाइनिंग के बाद है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, कहाँ है। आप हो सकता हो आप नागपुर में हो या लखनऊ में हो, पर आपका रिपोर्टिंग मैनेजर हैदराबाद में है या नोएडा में है या किसी और लोकेशन में, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। और आपको मुझे लगता है अगर आप, अगर सर दे कॉल मी पांडे जी का यूट्यूब चैनल ना हो, तो देर इज नो वन टू गाइड, नो वन टू टेल कि अब व्हाट नेक्स्ट। करेक्ट करेक्ट ना, ये है, ये एक्चुअली में है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई, लाइक कमेंट का तुरंत में रिप्लाई भी मिल जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं जो भी मुझे कमेंट नोटिफिकेशन आता है,
उसका मैं तुरंत में रिप्लाई देता हूँ ताकि जो भी है किसी का क्वेरी है कुछ तो वो क्लियर हो जाए। और मैं बोलता भी हूँ कि अगर किसी को उधर नहीं, अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना। देखो नंबर नहीं दे सकता क्योंकि आपको पता है परेशान कर देंगे नंबर। मैं भी हाँ जॉब परेशान करता हूँ, होते। है ना, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे भी काम है, बट मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। इसलिए मैंने मतलब मैं कमेंट पे भी रिप्लाई देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, वहां पे भी देता हूँ। मेरा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप का जिसमें मैं जो भी न्यू वैकेंसीज है वो शेयर करता हूँ। तो ये सारे वेज है कम्युनिकेशन के, तो ऐसा कुछ होता है तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। और मुझे नहीं लगता कोई है ऐसा क्योंकि कोई बताता ही नहीं। और मैं देखो मैं HCL में काम कर चुका हूँ तो मैं HCL के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानता हूँ कि क्या प्रोसेस है कैसा। मैं TCS में नहीं किया हूँ तो TCS के बारे में मैं नहीं बता सकता, है ना। तो मैं उसके रिगार्डिंग में झूठ नहीं, मतलब उसका भी वीडियो बना दिया, उसका ये प्रोसेस है वो प्रोसेस है, तो वो मेरा काम नहीं है। मुझे आप HCL के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके HR के बारे में, इवन जो नहीं भी जानता हूं वो भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है वैसा, है ना। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया। और आप देखते होंगे मेरे चैनल पर सिर्फ सर्विस डेस्क से रिलेटेड ही, और मेरा ज्यादा फोकस HCL पे ही है क्योंकि मैंने वहां पे काम किया है और जहां पे काम किया उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ, है कि नहीं। चलो अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अच्छी खासी सैलरी, सैलरी में कितनी हाइक मिली? आप सैलरी नहीं बताओगे, पता है, और बतावे बताना भी नहीं चाहिए, बट हाइक मिला क्या? जो आपका प्रीवियस सैलरी था उसमें हाइक मिला क्या? जी सर, 25% का हाइक मिला मिला। ना, बस यही मतलब मेरा मोटो भी यही है क्योंकि सैलरी से रिलेटेड भी देखो मैंने एक वीडियो बनाया कि आप क्या करो और कैसे कम्युनिकेट करो HR से कि आपको हाइक मिले। उनका उसका भी तरीका होता है ना। तो अच्छी बात है कि आप आपको 25% 20-25% का हाइक मिला, बढ़िया है। आप फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और थैंक यू सर। आगे आगे जो भी है प्रोसेस वगैरह के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, अगेन वो कंप्लायंस में आता है तो इतना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत है, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा पूछना भी नहीं चाहूंगा और आपको बताना भी नहीं चाहिए किसी को क्योंकि वो इंटरनल होता है ना, कौन से प्रोसेस में हो आप, क्या है प्रोजेक्ट, कौन सा है, तो ये सारी चीजें आप रखो। बट ये जो आपने बताया ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत हेल्प होने वाली है ना इस वीडियो के थैंक यू माध्यम सर। से। चैनल के लिए या किसी के लिए सर, मैं अगर किसी लायक सर बन पाया, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन सर, प्लीज अरे मैं हमेशा बिल्कुल तैयार रहूंगा सर। बिल्कुल, आप भी लोगों की मदद करो यार। मतलब जो भी लोग हैं किसी को कुछ चाहिए तो आप उनको हेल्प करो। आप भी अब ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको पता है प्रोसेस क्या है कैसे है, आप भी मदद करो लोगों का, यही है ना। ठीक चलिए फिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ठीक एंड प्रणाम सर। शेयरिंग योर थैंक यू एक्सपीरियंस। सर। मिलते हैं, बाय बाय।